जब से अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें सामने आई हैं, तब से शिवपाल यादव लगातार एक्टिव मोड में हैं। हालांकि कल उन्होंने विधायक पद की शपथ जरूर ले ली, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। यूपी में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में हुई समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे और ऐसे में राजनीतिक कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले कल ही शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ ली थी। उनका कहना था कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। मैं वेद द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं सपा की एक और बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। जिस वक्त समाजवादी पार्टी की ये बैठक चल रही थी, वो भरतना तहसील के नगला गांव में हो रही भागवत कथा में शामिल थे और ऐसे में वो सपा के गठबंधन दलों की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वहीं सीएम योगी से शिवपाल यादव की मुलाकात के बारे में शिवपाल के करीबियों का कहना है कि ये एक शिष्टाचार भेंट है। वहीं शिवपाल के जाने के तुरंत बाद सीएम से मिलने के लिए स्वतंत्र देव सिंह भी पहुँच गए थे। हालांकि शपथ लेने के बाद जब शिवपाल यादव से बीजेपी के साथ जाने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है, इससे ज्यादा मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि वो राजनीति में बेहद ही सक्रिय हो चुके हैं। वो लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँच चुके हैं और इसके संकेत तब मिलने शुरू हो गए थे जब इटावा में पत्रकारों ने शिवपाल यादव से सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे। तब उन्होंने जवाब में कहा था कि मैं जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करूंगा और आप सब मीडिया वालों को जरूर बुलाऊंगा। कुछ नहीं बोलना है। आज लखनऊ में मीटिंग थी, चाय पियो, हमें आज कुछ नहीं बोलना है। चलो तो कब तक इंतजार करें चाचा? इंतजार करें आज कुछ हमें बोलना होगा तो हम बुला नहीं लिया सब लोगों को बुला बोलो। ऐसे में शिवपाल यादव न सिर्फ अब अलग सियासी रास्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि उस दिशा में अपने सियासी कदम भी बढ़ा चुके हैं और सीएम योगी से मुलाकात इन्हीं अटकलों को बढ़ावा दे रही है। देखना होगा कि शिवपाल यादव कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।